हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप अपने काले से काले बर्नर को, गैस के बर्नर को 2 मिनट में किस तरह से चमका सकते हो। यही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पतीले में पानी लेना है, उसको गर्म करना है, मतलब इस तरह से बॉयल होने देना है उसे। और उसके बाद ना उसे हम लोग उतार लेंगे। और आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, सिर्फ स्टील का छोड़ के, आप स्टील छोड़ के कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। अगर स्टील का यूज़ करोगे तो वो ख़राब होने के चांसेस है, इसी वजह से आपको एल्यूमिनियम वगैरह का या कोई भी आप बर्तन यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक का टब वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें पहले से ही गर्म पानी किया हुआ आप डाल सकते हो, अगर गीजर से पानी गर्म करना है आपको। तो इस तरह से आपको पानी बॉईल कर लेना है उसमें, और उसके बाद उसे बर्तन को उतार लेना है। उसके बाद ना हम उसमें ऐड करेंगे सोडा, बेकिंग सोडा, ये वाला सोडा, बेकिंग सोडा हम उसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो सोडा ऐड करने के बाद थोड़ा सा वो बबल आने लग जाएंगे। तो उसके बाद हमें उसमें जो बर्नर है हमारे, थोड़ा सा वो घोल लेना है सोडा हमें, और उसके बाद जो हमारे काले हुए बर्नर है वो हमें उसमें डाल देने हैं। तो आप देख सकते हो मेरे जो बर्नर है कितने ज़्यादा ब्लैक हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गए थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मैं क्लीन कर ही रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, और आप भी घर पे ही अपने बर्नर जो है वो क्लीन कर सकते हो। तो ये वाला जो बर्नर है काफ़ी ज़्यादा गर्म था, क्योंकि मैंने अभी उस पर पानी गर्म किया था, तो इसी वजह से, तो इसे मैंने पकड़ के हेल्प से लिया है। तो इस तरह से आपको बर्नर को ऐड कर देना है उसमें, मतलब डाल देना है, और उससे थोड़ी देर के लिए रखना है। और उसमें ना आपको एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, तो वो है ये एसिड। तो एसिड को आपको 1 या 2 ढक्कन इसमें ऐड करना है। और एसिड ऐड करने के टाइम ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुंह थोड़ा सा आपको पीछे रखना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। और आप जब भी वो मतलब भाप आने लगे तो आपको मुंह पीछे ही रखना है आपका, और उसमें नहीं तो आपके गले में जा सकता है और आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब एसिड आप ऐड करते हो। और एसिड ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब उसका कलर चेंज हो गया है, जैसे ही हमने एसिड ऐड किया उसके बाद देख सकते हो आप कितना ज़्यादा बर्नर उसी के अंदर क्लीन होते जा रहा है। और आप देख सकते हो जो बबल आ रहा है, तो उसके अंदर आप तो 5 मिनट तक रखना है आपको, 5 या 10 मिनट तक आपको ये वाले बर्नर छोड़ देने हैं ऐसे ही। तो उसके बाद बर्नर छोड़ देने के बाद वो अपना काम करते रहेगा, जो हमने एसिड और सोडा मिलाया है वो अपना काम करते रहेगा। उसके बाद आपको इस तरह से ग्लव्स पहन लेने हैं। तो ग्लव्स पहनने के पहले आपको एक ध्यान रखना है, जो आपकी ज्वेलरी पहनी है आपने वो निकाल लेनी है, नहीं तो फिर मतलब आपको थोड़ा सा ज्वेलरी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसके बाद आपको ग्लव्स पहन लेने हैं, नहीं तो आपके हाथ भी ख़राब हो सकते हैं, नहीं तो आपके हाथ भी जलने लगेंगे, जैसे कि आपने उसमें एसिड ऐड किया है इसी वजह से। तो ग्लव्स पहन लेने हैं, और ग्लव्स ना सबके घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ग्लव्स का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है हमें। काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है कि जिससे हम लोग ग्लव्स से क्लीन कर सकते हैं, तो इसी वजह से ग्लव्स अपने घर में होने ही चाहिए। तो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं ये, तो इसी वजह से ग्लव्स ले लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी होंगी, आपके हाथ बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे इससे। आप काफ़ी सी चीज़ें ऐसे क्लीन करते हो जिससे जिसमें आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अभी देख सकते हो आप सॉल्यूशन ने अपना काम कर लिया है। तो उसके बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँ एक स्क्रब से, मतलब आप लोहे का स्क्रब लेना है आपको, कोई भी आप साबुन हो या लिक्विड ले सकते हो। तो इससे आपको अच्छे से लेना है और क्लीन करना है अच्छे से, मतलब थोड़ा सा ही आप स्क्रब करोगे तो निकलने लगेगा जो आपका जो गंदगी है आपके इसमें, देख सकते हो आप। मैंने 1-2 बार ही स्क्रब किया तो अच्छे से निकल रहा है, तो सोने जैसा चमकने लगेगा आपका जो बर्नर है। मैंने देख ही लिया था कि मेरे जो बर्नर है वो कितने ज़्यादा काले हो चुके थे, तो ऐसे हम लोग क्लीन करते मतलब सिर्फ स्क्रबर से तो वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते, और आपको इतने ज़्यादा चमके हुए नहीं दिखते। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, और थोड़ा सा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे इतने दो मतलब 2 बर्तन या 4 बर्तन का भी आपका गैस हो तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगने वाला है स्क्रब करने में। तो 2 मिनट में आपका जो बर्नर है वो सोने जैसे चमकने लगेगा, आप खुद ही देख लोगे। उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको स्क्रब करके दिखा दूंगी सारे बर्नर, और आप देख सकते हो अभी मैंने कितना ज़्यादा स्क्रब किया है। और आपको ज़्यादा मतलब जोर शोर से स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, और जल्दी से क्लीन हो रहा है ये। थोड़ा सा और सोक करने दोगे तो आप ज़्यादा ही जल्दी क्लीन हो जाएगा, तो आपके सोक करने पे डिपेंड है। और गरम गरम ही उसे क्लीन करना है आपको, मतलब ज़्यादा देर ठंडा नहीं होने देना है पानी को, जल्दी ही क्लीन करना है।
तो इस तरह से आप अगर अंदर से ऐसे राउंड राउंड करके घिसोगे तो अंदर का भी क्लीन हो जाएगा और बहुत ही जल्दी क्लीन होता है गाइज़। मतलब ट्रस्ट में आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और इसी तरह से मैं अपने सारे बर्नर क्लीन कर लूँगी एक एक करके, और आप देख सकते हो पूरे बर्नर मतलब कितने ज़्यादा चमक रहे हैं और मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही है। कुछ भी आपके सामने है, मैंने कट नहीं किया है, आपके सामने है और मैंने एक भी कट नहीं डाला है इसमें। तो जैसे ही मैं पूरे बर्नर क्लीन करूँगी तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट पता चल ही जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने बर्नर क्लीन कर लिया है तो मैं इसे वॉश करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बर्नर क्लीन हुआ है। और आप देख सकते हो इसे कितना ज़्यादा मतलब जितना गंदा हो रखा था उससे तो हमें लग भी नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा क्लीन निकलेगा। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सोने जैसा चमक रहा है। तो एक ये तो ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं इसे ही यूज़ करती हूँ हमेशा। मैं इससे ही अपने जो बर्नर है उसे क्लीन करती हूँ। मैं यहाँ पर सारे बर्नर क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद का रिज़ल्ट आप देख लोगे कि किस तरह से मेरे सारे बर्नर निकल चुके हैं और सारे बर्नर किस तरह से चमक चुके हैं मेरे। यहाँ पर मैंने सारे बर्नर अपने वॉश कर लिए हैं पानी से, और आप देख सकते हो पूरे बर्नर, आप देख सकते हो किस तरह से मेरे पहले बर्नर थे और अब किस तरह से हैं। मतलब आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि इतने ज़्यादा क्लीन निकलेंगे, और वो भी बिना मेहनत के। बिल्कुल मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और आप देख सकते हो मतलब रिज़ल्ट आपके सामने ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।